हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सरूपा ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ ठीक हो, और मैं भी ठीक हूँ। मेरा सब काम हो गया, अभी मैं शावल लेके भी आ गई। अभी चलिए पहले कपड़ा डाल के आते हैं। मेरा बेटी अभी उठ गई है, उसको पहले दूध पिला लेती हूँ। अभी डांस कर रही है गाने पे। मैं किचन में आ गई नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता बना लेती हूँ, फटाफट नाश्ता भी कर लेती हूँ। फिर मुझे कैंटीन जाना है, कैंटीन से आके आप सबसे बात करेंगे। और अभी मैं दोपहर में लंच के लिए बनाऊंगी, ये लौकी बनाएंगे, चने की दाल के साथ बनाऊंगी। थोड़ा चने की दाल डालूंगी, फिर लौकी बनाऊंगी और अंडा करी बनाऊंगी। और ये जो करेला है, करेला बनाएंगे। करेला काट के नमक के साथ मिला के छोड़ देंगे आधा घंटा के लिए, तो पूरा कड़ुआपन और पानी भी निकल जाएगा। पानी के साथ थोड़ा कड़ुआ निकल जाता है, तो थोड़ा कम लगेंगे कड़ुआ। और प्याज के साथ मैं फ्राई करूंगी। तो चलिए पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ। अभी मैं आ गई सामान लेके, जितना मेरा जरूरत का सामान था मैंने सब कुछ खरीद लिया। और मेरा इंडक्शन चूल्हा खराब हो गया तो मैं वो भी ले ली। और एक तावा लेके आया जिसमें डोसा मोसा बनाते हैं, तो वो मेरा मम्मी के लिए लिया। और सामान बहुत है, लेकिन आने के बाद मैं पहले दाल उबालने के लिए रख दिया, अंडा भी उबालने के लिए रख दी। और अभी सब्जी काटेंगे, मेरा बेटी भी चिल्ला रही है। ये मेरा सामान है, ये इंडक्शन चूल्हा है, मेरा पेस्टिस का चूल्हा मैंने लिया। और ये मैट है किचन के लिए, मैं ये मैट लिया। और साबुन और ये हल्दी पाउडर है। और भी खाने का सामान है, ये कोलगेट ले लिया। और भी ये सब खाने का सामान है, ऑल आउट लेके आया, ये भी बहुत जरूरत होता है ऑल आउट। और ये कपड़ा धोने के लिए, ये मेरा मम्मी के लिए तीन लेके आया कपड़ा धोने के लिए। और ये भी है, ये तावा पेस्टिस का तावा है, ये मैं लेके आया मम्मी के लिए। और भी है, मतलब ये खाने पीने का सामान भी है, खाने पीने का जो नमकीन है, बिस्किट है। और ये टॉफी लेके आया। और वो शार्प है, शार्प में मतलब हैंको शार्प मैंने खरीदा, तो उसके साथ एक बाकेट नहीं टॉप है, वो गमला फ्री आया। और ये शैम्पू है, ये मेरा भाई के लिए लेके आया शैम्पू। और ये तेल, मेरा हस्बैंड हमेशा लगाते तो ये तेल उनके लिए लेके आए। और ये मेरा फेशियल किट है, मैं इससे फेशियल में घर में खुद करती हूँ, कभी करेंगे तो आपसे शेयर करूँगी। चलिए पहले मैं सामान है ना सब उठा के रख देते हैं अपना अपने जगह। बहुत सामान है, इतना सामान अभी उठा के रखना है। ये लेके आया लाइजोल लेके आया, ये मतलब हमेशा पोछा लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि टाइल्स लगा हुआ है तो ये ज़रूरत होता है। तो चलिए पहले सामान मैं उठा लेती हूँ, फिर आप सभी से बात करती हूँ। मैं किचन में आ गई, सब सामान रख के बेटी को दूध पिला के सुला के फिर मैं आई। अभी पता देर बज गया है, अभी मेरा चावल राइस कुकर में चावल बैठा था तो चावल बन गया, क्योंकि मेरा इंडक्शन खराब था। तो लेके तो अभी आया, लेकिन अभी फिलहाल सेट करने का टाइम नहीं है, राइस कुकर में मैं बैठा दिया। और मैं चने की दाल के साथ लौकी बना ली, उसका तड़का लग गई। अभी पहले मैं करेला फ्राई करूंगी, उसके बाद अंडा करी बनाऊंगी। और मेरा अंडा करी के लिए कोई मसाला अभी तक बनाया नहीं, अभी देर बज गया है, क्या करें। इधर उधर करते करते लेट हो गया आज। कोई नहीं, बना लेंगे, हस्बैंड आ भी जाएंगे तो बैठेंगे, ऐसे नहीं है। उनको आते ही खाना नहीं चाहिए, वो समझते हैं लेट हो जाने से भी, कोई कुछ बोलते नहीं है। तो पहले मैं दाल को ना डाल लेती हूँ, उसके बाद करेला। पता है मैं काट के नमक के साथ उसको रखना था, याद ही नहीं है उसको काट के नमक मिला के कुछ टाइम के लिए छोड़ दो,
तो अभी मैं नमक मिला के छोड़ देती हूँ, इस कढ़ाई में अंडा करी बना लेती हूँ, दूसरा कढ़ाई में उसको बना लेंगे करेला को। तो चलिए पहले खाना पूरा बना लेती हूँ मैं। अभी मैं करेला और प्याज फ्राई कर रही हूँ, अभी बहुत टाइम हो गया, 2 बज गया। अभी अंडा करी का मसाला अभी तक बना नहीं। ये करेला और बन रहा है, आलू नहीं, करेला और प्याज। कढ़ाई में काला काला दिखाई दे रहा है, पीला ही है। अंडा करी का तड़का लगा देती हूँ। और अंडा करी हम अभी बना रहे हैं, अंडा करी में सरसों का तेल में बनाऊंगी। पहले अंडा को अच्छे से फ्राई करके उठा के रखेंगे, उसके बाद तेल में जीरा तेजपत्ता प्याज फ्राई करेंगे। फिर ये जो मसाला बनाया मैं, इसमें एक टमाटर एक लहसुन और 2 प्याज डाला, ये पेस्ट बना के इसमें डालेंगे। मैं हमेशा कोई भी खाना में ऐसे ही मतलब पेस्ट बना के डालती हूँ। तो पहले मैं अंडा फ्राई कर लेती हूँ, और सरसों का तेल डाला ना, तो मैं पहले एग्जस्ट ऑन कर देती हूँ, पूरा आग जल रहा है। अंडा करी में पानी डाल दिया, अभी हो गया, पहले लंच कर लेते हैं, किचन साफ कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। लंच के बाद अभी मेरा सब काम पड़ा है, अभी मैं सब काम शुरू करूंगी, क्योंकि लंच के बाद मैं कुछ भी काम किया नहीं था। अभी काम शुरू कर लेते हैं, और काम शुरू करने के पहले आप सभी को बाय करेंगे, क्योंकि आज पूरा दिन ये करते करते सामान जितना लेके आया अभी भी ऐसे ही पड़ा है। अभी मैंने सामान एक बैग में डाल के रख दिया है, उसको भी ठीक ठाक करके रखती हूँ। और किचन में बर्तन है, अभी धुलाई किया नहीं, क्योंकि जब मैं लंच करने बैठी थी तब मेरा बेटी उठ गई, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और अभी काम में शुरू करूंगी, इसका पहले आप सभी को करते हैं बाय, और फिर मिलेंगे कल सुबह एक नया वीडियो के साथ। आप लोग मुझे सपोर्ट करना, लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो, और बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आप सबके पास पहुंच जाए। और आज के लिए बाय बाय, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो रहा है, 6 बज रहा है, तो उसके पहले मैं पूरा काम कर लेती हूँ, क्योंकि 8 बजे शाम होते हैं, तो उसके पहले हम सब कर लेंगे। और 8 बजे मेरा बेटी सोएगी, शाम होने के कुछ 7:30 बजे मेरा बेटी सोती है, तो उसका पहले मैं सब कुछ कर लेती हूँ। 7:30 बजे के पहले उसको दूध भी पिलाना है, फिर सो जाएगी वो। तब तक बाय बाय।